नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आठ का अटैक। राजस्थान में एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ टिकट पर रार मचा हुआ है। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, टिकट पर रार तो मचा हुआ है, साथ में बगावत भी अब नेताओं की दमदार तरीके से शुरू हो गई है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी में बगावत भी दमदार दिखाई दे रही है और जोड़ तोड़ की सियासत जारी है। टिकट पाने की चाहत रखने वाले लगातार सियासी अटैक कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी। दोनों ही पार्टियों में जिन नेताओं को टिकट नहीं मिले और मिलने की उम्मीद भी नहीं, या जिनके कट गए हैं, वे बगावत पर उतर आए हैं, चाहे वो विधायक ही क्यों ना हो। यानी टिकट पर रार जारी है और बगावत दमदार है। आज करेंगे चर्चा टिकट पर रार, बगावत दमदार। कांग्रेस के अब तक 156 प्रत्याशी तय, बीजेपी ने 124 नाम किए जारी। अब तक तकरीबन हर जिले में बगावत, कल के लिस्ट के बाद भी दिखे बगावती तेवर। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट लगातार आ रही है। हालांकि अभी 200 विधानसभाओं पर नाम किसी भी पार्टी ने तय नहीं किए, लेकिन तकरीबन हर लिस्ट के बाद विरोध दोनों ही पार्टियों में दिख रहा है। बीजेपी के 124 प्रत्याशियों के मुकाबले कांग्रेस ने अब तक 156 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस में विरोध भी मुखर होने लगा है। विरोध कुछ जगह प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद तो कहीं पर नाम तय होने से पहले ही दिख रहा है। इससे पहले बीजेपी में उठ रहे विरोध के सुरों पर कांग्रेस के नेता चटकारे लेकर बात कह रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस में हो रहे विरोध पर उनके अलग तर्क। अब कहा यह जा रहा है कि टिकट तो किसी एक को ही मिलना है। हालांकि इस विरोध के बीच भी नेता अपनी पार्टी की कमीज दूसरी के मुकाबले ज्यादा उजली बता रहे हैं। इधर सीएम अशोक गहलोत ने भी नेताओं के विरोध के बाद कहा है कि उनकी पार्टी में ऐसा विरोध नहीं हुआ जैसा धमालपट्टी बीजेपी में मचा है। कुछ नेताओं के टिकट कटने पर सीएम ने कहा कि वे सीएम हो तब भी सभी फैसले उनकी मर्जी से नहीं हो सकते। बीजेपी में जो धमालपट्टी हुई है, आगजनी हुई है, बीजेपी दफ्तर का मैंने सुना ताला लगा हुआ है, पीछे जाना पड़ रहा है। बीजेपी दफ्तर के अंदर पिछले 15-20 दिन से पीछे से जाते हैं, आगे का लॉक कर रखा है। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है। और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूँ कि थोड़ी नाराजगी हुई होगी। उधर अब तक अपनी पार्टी में बगावत के दाग छिपाने की कोशिश कर रही बीजेपी अब कांग्रेस के सिर पुटौल के मजे ले रही है और उसका फायदा उठाने की कोशिश भी जारी है। हालांकि बीजेपी में बगावत से इनकार और कांग्रेस की बगावत का इजहार तो नारायण पंचारिया भी करते दिखते। देखिए, मैं आदरणीय अशोक गहलोत जी को ये कहना चाहूंगा कि वो जरा अपने घर की तरफ झांक के देख ले। कल जैसे ही उनकी लिस्ट जारी हुई, इसके पहले वाली लिस्ट का जो तांडव राजस्थान की धरती पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जिनको टिकट कटा उन्होंने किया, वो संपूर्ण राजस्थान की जनता ने देखा। कराम तौर पर कई बार ये बगावत पार्टी के प्रत्याशियों को फायदा पहुंचाती है तो कई बार नुकसान। अब देखने वाली बात तो ये रहेगी कि टिकट पर रार, बगावत दमदार, मरुधरा के सियासी रुख को किधर ले जाती है। विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। टिकट पर रार, बगावत दमदार, किस और ले जाएगी दोनों ही, या फिर यूं कहें जितनी भी पार्टियां राजस्थान में अब चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं उनको। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवा देता हूं अपने मेहमानों का। सुरेश गर्ग जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी स्वागत है सर जी राजस्थान के मंच पर आपका। राजेंद्र राजा जी पीसीसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र राजा जी स्वागत है सर जी राजस्थान पर। और प्रकाश भंडारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रकाश सर आपका भी जी राजस्थान पर। सबसे पहले हर बार की तरह 30-30 सेकंड आप तीनों को दूंगा मैं अपनी बात रखने के लिए। जो भी आपके दिल में हो खुलकर बोल सकते हैं, कोई आपकी बात को काटेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। सुरेश गर्ग जी। जी देखिए, आज आपने खुद ने बताया है कि जिस तरह से कांग्रेस की कल चौथी और पांचवीं लिस्ट जारी हुई, इसके बाद में कांग्रेस के अंदर किस तरह से बगावत के सुर सामने आ रहे हैं। खिलाड़ी लाल बेरवा जो एक जिनको एक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया हुआ, उन्होंने रिजाइन कर दिया।
किस तरह से कांग्रेस के अंदर, आज एक अखबार के अंदर कटिंग भी आई है, AICC को काट के AGCC कर दिया, अशोक गहलोत कांग्रेस कमेटी। इसका मतलब ये हो रहा है कि वहां पे आला कमान की आला कमान की। राजेंद्र आर्य जी, हाँ जी, मैं आ रहा हूँ सर, डिबेट ओपन करेंगे अभी। राजेंद्र आर्य जी 30 सेकंड में बात कीजिएगा सर। देखिए सुमित जी, जहां तक हमारी कल चौथी और पांचवी सूची आई, तो उससे पहले भी हमारी 1-2-3 सूचियां आई थी, तो उन तमाम सूचियों के अंदर कोई भी ऐसा विरोध या जो था मतलब आक्रोश नहीं देखने को मिला। उससे उलट आपने देखा होगा कि भाजपा की जो पहली सूची के बाद में जिस तरीके से इनके सांसदों का विरोध हुआ, तो इन्होंने आगे जितनी भी सूचियां थी उनमें सांसदों से किनारा कर लिया और पूरी तरीके से जिस तरह की तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई या उनके ऊपर हमले हुए या भाजपा दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुए कि भाजपा के नेताओं को पीछे के दरवाजे से निकलना पड़ा, तो ये चीजें हैं। और ये मतलब राजनीति को इस तरीके से मतलब जो गिर रही है ना, इस गिरावट को हमें देखना पड़ेगा। चर्चा शुरुआत करेंगे, डिबेट ओपन करूंगा, उसके बाद बात करेंगे। प्रकाश भंडारी जी, दोनों नेताओं को आपने सुना, दोनों पार्टियों को आपने सुना, किस तरह देखते हैं इस सिर फुटव्वल को, इस बगावत को? देखिए, ये जो अब कहते हैं बगावत के सुर देखे जा रहे हैं, और ये सूरी की नई बात तो है नहीं। हर चुनाव में आप देखिए, हर पार्टियाँ जो है नाकारा निकम में विधायकों को जो है उनको टिकट नहीं देती है, नए लोगों को खोजती है, फिर उनको मौका दिया जाता है। तो जो कुछ हो रहा है ये कुछ नया नहीं है, ये 15-20 साल से तो हम रोज देख रहे हैं, हर चुनाव में देख रहे हैं। ठीक है सर, संसद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, डिबेट ओपन करते हैं। और सबसे पहला सवाल प्रकाश भंडारी सर मेरा आपसे ही है, सेवा परमो धर्म, और सेवा तो हम करके ही मानेंगे साहब, टिकट आप दो या ना दो, चाहे बगावत ही क्यों ना करना पड़े, यही एक कारण नजर आता है क्या आपको, जनता की सेवा करना और इसलिए चुनाव के मैदान में उतरना, चाहे वो बगावत करके ही क्यों ना? देखिए, आपने हमने सब देखा राजस्थान के अंदर जो इतने सारे थोपे गए हैं भाजपा के MP, उनके खिलाफ कितनी आवाज़ें उठी। और अब जैसे जैसे सूचियाँ आ रही हैं, सूची जारी हो रही है, तो वर्तमान विधायकों को हटा करके नए विधायक डाले जा रहे हैं, और इसी तरीके से न सिर्फ कांग्रेस में बल्कि भाजपा में भी दोनों ही पार्टियों में हो रहा है। और भाजपा की लिस्ट तो भी बहुत लंबी है, तो आप देखेंगे कि 2-4 आइंदा जब तक नामांकन नहीं भरे जाते तो आपको कई आगजनी की घटना, कई तोड़फोड़, कुर्सी फेंकना, ये सब आपको देखने को मिलेगा, जो मेरी समझ में मैं पहले भी कह चुका हूँ कोई नया नहीं है। नया नहीं है, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। इसके बाद जो है एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कह चुके हैं, अभी आपने बाइट भी सुनी होगी उनकी, कि बीजेपी में तो देखिए टिकट जारी होते ही, लिस्ट जारी होते ही मुख्यमंत्री की तोड़फोड़ हो रही है, सिर फुटव्वल कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, क्या टिकट की दौड़ में आगे निकलना ही सब कुछ है? सेवा करनी है आपको, कीजिए ना, जनता के बीच में जाइए ना, कौन मना करता है, बिना टिकट लिए भी जा सकते हैं, रोका है क्या किसी ने? देखिए सुमित जी, अशोक गहलोत जी तो आपके टीवी चैनलों पे भी बताया जाता है कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके मंत्री और विधायकों ने पूरा खेल बिगाड़ रखा है। जब ये पूरे टीवी चैनलों पे, पूरे अखबारों के अंदर आया है, और अभी हुआ क्या, वही विधायक और वही मंत्री वापस उनको टिकट दे दिया गया, तो फिर क्या, इससे क्या साबित हो रहा है कि भ्रष्टाचार को इन्होंने बढ़ावा दिया है? एक आज अखबार के अंदर की कटिंग है, तीन बोलो मत, सुनो मत और कहो मत, मतलब आप ये देखो, अरे जिताओ उम्मीदवार तो वो तो अभी जनता बताएगी, दो अभी जो इलेक्शन होंगे उसमें बताएगी कि किस तरह से, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 साल से, सुमित जी पिछले 5 साल तक केवल भ्रष्टाचार किया इन मंत्रियों ने, MLA ने, क्योंकि कितना जो जिस व्यक्ति ने एक बड़ी हास्यास्पद तस्वीर नजर आई मुझे, मुख्यमंत्री ये कहता है कि मैं जवाब में प्रकाश भंडारी जी से भी लूंगा थोड़ी देर बाद, प्रकाश सर मैं आ रहा हूँ आपके पास भी उसका जवाब लेने के लिए, एक बहुत अजीबोगरीब तस्वीर नजर आई मुझे आज। आज मैं बुलेटिन कर रहा था कुछ देर पहले, आपके एक नेता हैं, वरिष्ठ नेता भवानी सिंह राजावत जी, उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, कहते हैं नॉमिनेशन दाखिल करते हैं, ठीक है यहाँ तक सब ठीक चल रहा था,
लेकिन जब पत्रकारों ने बात की उनसे तो कहते हैं कि पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ लूंगा, उसके बाद सिंबल लगा दूंगा अगर टिकट दे, मतलब चुनाव तो लड़ना है उन्हें। देखिए अब उन्हें अपनी पार्टी पर ही भरोसा नहीं है कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, टिकट कटा तो निर्दलीय। सुमित जी मलाई जहां से मिले खानी है, व्यक्ति स्वतंत्र है। मैं साफ कैसे में कह रहा हूं आपसे सुरेश गर्ग जी, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मलाई खानी है बस, पार्टी के तरफ कोई वैचारिकता है ही नहीं, विचारधारा का भी कोई मतलब होता है ना सर, समर्थक भी उनकी विचारधारा के साथ ही आगे बढ़ते हैं ना, और वो कहते हैं पार्टी ने टिकट दे दिया तो मैं सिंबल जमा करा दूंगा, नहीं तो मैं निर्दलीय मैदान में जाऊंगा। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से और भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है और जो कामों को समर्पित है भारतीय जनता पार्टी, नेताओं पर आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। अगर भवानी सिंह जी ने, अगर मान लो अजीत साहब मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो भवानी सिंह जी को टिकट अभी घोषित कैंडिडेट किया नहीं है, अगर वो अपना तो पहले बगावती सूर अपना लिए, आपके नेता तो पहले टिकट नाम बताएगा क्या चीज होगा? आप ये देखिए ना, बगावती सूर की आंच कितनी तेज है आपके यहाँ पर कि टिकट की घोषणा हुई नहीं सुन लो, और उससे पहले बगावती सूर महाराज इंतजार तो कर लेते, विश्वास नहीं है उन्हें आप पर, पार्टी पर भरोसा नहीं है कतई। यहाँ तो अरे यहाँ तो साहब सुमित जी ये बता दीजिए, वो 40 करोड़ का आरोप लगाया था कि मेरे को टिकट न मिले या मुझे हराने के लिए 40 करोड़ रुपए का आरोप लगाया था मालवीय नगर विधानसभा में, वो भी पता होना चाहिए आपको। नहीं, नहीं, जिस तरह से टिकट नहीं मिलने के पहले कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई झगड़े हुए वो भी आपको बताना चाहिए था नहीं हुए। कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ये भी आपको बताना चाहिए था। AICC की जगह ऑल इंडिया कांग्रेस की जगह क्या लिखा हुआ है, अशोक गहलोत कांग्रेस कमेटी, तो ये पता लगा है ना। आपके सर्वेयर फील्ड में कहां चले गए, आपके सर्वेयर फील्ड में कहां चले गए, तो भैया ये चीजें आपको ये भी बताना चाहिए। ठीक है राजेंद्र आर्य जी, अभी आपने बीजेपी के एक नेता जी को सुना था, कह रहे थे वो कि कांग्रेस पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखे तब हम पर कोई बयान दे। देखिए हम कोई ऐसा बयान नहीं देते हैं, अब तक हमारे 156 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा तरीके का, उसके बाद उन्होंने कहा सुनिए आप सुन लीजिए, आप टोकेंगे तो फिर सुनाई नहीं देगा ना, मेरी बात तो सुनाई नहीं देगा। अब काउंटर क्वेश्चन भी ना करूंगा, सिर्फ आप कह रहे हैं कोई ऐसा बयान नहीं दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा सुनिए आप तो मेरे को बोलने तो दो, उसके बाद पूछ लेना आप, जितने सवाल है सबके जवाब देने के लिए तो बैठा हूं मैं। हाँ, बोलिए। अब मैं बता रहा हूं आपको कि कल से हमारी गारंटी यात्रा पूरे प्रदेश में शुरू हो रही है, और आपको पता होगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गारंटियां 7 गारंटियां लॉन्च की है उनके लिए एक नंबर दिया 8587070707। तो ये मैं पूरे प्रदेश वासियों को ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस नंबर पे जाके वो अपनी गारंटी को रजिस्टर कर सकते हैं, और इन 7 गारंटियों में आपदा बीमा की भी गारंटी है जिसमें 15 लाख का है, गोदन गारंटी है, 500 रुपए में सिलेंडर है 1,04,00,000 लोगों को, अरे पहले की गारंटी है 10,000 रुपया प्रति वर्ष महिलाओं को, अंग्रेजी माध्यम स्कूल की गारंटी, फ्री लैपटॉप और टैबलेट की गारंटी जो सरकारी कॉलेजों में बच्चे पढ़ेंगे, और उसके अलावा ओपीएस की गारंटी। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप इनके किसी भी नेता से, बड़े नेता से, प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कि क्या आप किसी भी प्रदेश के अंदर ये गारंटियां दे रहे हैं, गारंटियों की बात करेंगे दे सकते हैं, कितना भी पैसा, राजेंद्र आर्य जी, लेकिन राजेंद्र जी गारंटी पर सच्चाई गारंटी पर भाषण हो गया तो मैं सवाल पूछूं आपसे सर। सुमित जी सुनिए बताता हूँ, राजेंद्र आर्य जी मोबाइल खोलिए अपना, आपका नंबर मेरे पास है, चाहे तो व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, मोबाइल खोलिए सर। ठीक है राजेंद्र आर्य जी सुनिए, कांग्रेस की चौथी और पांचवी सूची के बाद विरोध में कुछ नेता उतरे हैं हवा में, एक एक का नाम बता रहा हूँ, देखिए इतने नेता उतर गए कि अब तो याद रखना ही मुश्किल हो रहा है, मोबाइल में लिख के लाना पड़ रहा है मुझे। अरे सुनिए ना, सुनते नहीं आप लोग, जिस बात पर चर्चा चल रही है उस पर रहेंगे हम लोग, आप दोनों ध्यान से अपने दिमाग में बात डालिए पहले, तो जिस बात पर चर्चा चल रही है उस पर आएंगे हम लोग, ठीक है। और अब मेरी बात सुनिए राजेंद्र आर्य जी गौर से, अरे सुनिए काबिले गौर है सर, हवा महल से मंत्री महेश जोशी जी विरोध में,
चौथी और पांचवी सूची के बाद विरोध में जो नेता उतरे हैं, ठीक है साहब, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बैरवा, बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा, सांगोद से भरत सिंह कुंदरपुर, नरेश मीना का छपरा से विरोध, करौली से दर्शन सिंह, खंडेला से मतलब ये मुझे मोबाइल पे लिख के लाने पड़े हैं सर नाम, मैं नहीं याद रख सकता था, इतने नाम विरोध में आपके, क्या होगा? निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, निर्दलीय ताल ठोक दी, आपके विरोध, आपके पुराने नेता हैं साहब, लोगों के बीच में जाते थे ये नेता आपके, राजेंद्र आर्य जी, आप ठीक है, आपने आपने बाद में बात करेंगे गारंटी कार्ड की, पहले विरोध की बात करते हैं। कौन सा नाम लिया अब मैं सुनिए ना, हाँ वही तो बात करो ना, ये जो इनका विरोध है या इनकी जो बगावत है इसके ऊपर गारंटियां भारी पड़ने वाली है। अच्छा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अच्छा, जो नाम आपने बताया ये नाम मुझे भी पता है। हाँ, मैं मीडिया में देख चुका हूँ ये तमाम नाम। हाँ, लेकिन इन इन विरोधियों की जो जो भी है बगावत उसके ऊपर ये गारंटियां भारी पड़ने वाली है। राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता ने पूरा मानस बना लिया है कि वो गारंटियों के साथ है। अगर टिकट कटने से कोई नेता बगावत करता है तो वो कांग्रेस पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता नहीं हो सकता। अच्छा, आपके ये अच्छा है, अगर अगर उसे टिकट दे दिया बगावत नहीं करता है तो समर्पित कार्यकर्ता, और टिकट नहीं दिया बगावत कर दी तो समर्पित कार्यकर्ता नहीं है वो, ये तय कर रहे हैं। तो पहले तय कीजिए ना कौन समर्पित है कौन नहीं है समर्पित, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए उसे, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए ना उसको। जो पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगा तो गलत है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी, आप भी इसी बात को। अरे तो आपने ऐसे नेताओं को इतनी बड़ी संख्या में शामिल क्यों किया है? 5 साल में पता नहीं था आपको इन नेताओं का आचार व्यवहार, पता नहीं चला आपको? टिकट के बाद ही इन नेताओं के चेहरे सामने आते हैं, नकाब हटाते हैं ये लोग अपने चेहरे से, टिकट की चाह में ही आपकी पार्टी ज्वाइन करके रखते थे ये लोग। और प्रकाश भंडारी जी, भवानी सिंह राजावत, बड़ी तस्वीर आज अच्छी दिखाई दी, कहते हैं टिकट दे दिया तो मैं पार्टी का वफादार हूं साहब, देखिए पार्टी का सिंबल जमा कर दूंगा मैं, और वही राजेंद्र आर्य जी वाली बात, अगर टिकट नहीं दिया तो मैं तो साहब निर्दलीय लड़ूंगा, फिर वो पार्टी की विचारधारा से वो नहीं सहमत नहीं होते हैं। देखिए भवानी सिंह राजावत वही हैं, वही व्यक्ति हैं ये जिन्होंने कोटा के राज परिवार को रखो राजनीति की पटरी में वापस लेके आए थे। और फिर ये हुआ कि वो तो उन्होंने अप्रोच किया था, और इजयराज जी जो है इजयराज सिंह सांसद बन गए कांग्रेस के टिकट पे, फिर उन्होंने फिर पलटी खाई और अपनी पत्नी को उन्होंने लाडपुरा से विधायक बना दिया। और अब सुनने में आ रहा है कि तो ये तो भवानी सिंह जी की जितनी सेवाएं हैं वो भाजपा के प्रति वो हम सब जानते हैं, आज वो लाडपुरा से टिकट मांग रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, वहाँ से वो विधायक भी रह गए 2 बार। लेकिन क्या है कि उनको उन्हें जो भाजपा में सम्मान मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। अच्छा, उसका कारण ये था कि उनकी बनाई गई व्यूह रचना में खुद ही फंस गए। हाँ, वो जो राज परिवार को जो लाने का उनका क्रम चला था वो उसमें वो खुद ही फंस गए। और वो ये है कि आज लाडपुरा पे जल्दी राज परिवार का प्रकाश जी, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूँ, क्लोजिंग कमेंट आपसे लूंगा मैं, सुरेश गर्ग जी, सम्मान नहीं मिला, आर्य जी ने बताया, प्रकाश सर मैं आ रहा हूँ आपके पास, प्रकाश सर 2 मिनट, 1 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुरेश जी, प्रकाश सर कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला भवानी सिंह राजावत को, लेकिन ये तय कौन करेगा सम्मान किस तरह का चाहिए साहब? टिकट से ही सम्मान होता है क्या? और आप ऐसे नेताओं को चिन्हित क्यों नहीं कर पाते हैं? ये सवाल या निशान तो आप पर भी है, और इसके बावजूद आप इन्हें मनाने के हर संभव प्रयास करेंगे कि नहीं साहब पार्टी के साथ बने रहो, आप निर्दलीय तो मत जाइए, नुकसान तो आपको ही होना है ना आखिर में। देखिए, आदमी स्वतंत्र है पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रहता तो ठीक है, लेकिन आज इन्होंने 7 गारंटी की बात की है, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं। पिछले 5 साल से 2018 में भी इन्होंने एक गारंटी दी थी किसानों को कर्जा माफी की, वो गारंटी कहां चलेगी? उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी दी थी, वो गारंटी कहां चली गई? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, याद 1 करोड़ 4 लाख सिलेंडर की ये सब्सिडी की बात कर रहे हैं, 76 लाख सब्सिडी के कनेक्शन है, आज 18 लाख सब्सिडी के क्यों सब्सिडी दी जा रही है? 18 लाख कनेक्शन के अंदर कमी है, वक्त की कमी है, प्रकाश जी मैं क्लोजिंग कमेंट नहीं ले पाऊंगा आपसे, वक्त की कमी है, मुझे यही इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप तीनों का, प्रकाश भंडारी जी, सुरेश गर्ग जी, राजेंद्र आर्य जी, आप तीनों का बहुत 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 शुक्रिया, अपना कीमती वक्त हमें